नमस्कार, आप देख रहे हैं रेनेसांस स्पेशल। आपके साथ मैं हूँ रीना। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी का किसी भी पूजन व शुभ कार्य में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि गणेश जी के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। बुधवार के दिन गणपति जी का व्रत रखने के साथ साथ विधि विधान से पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, बप्पा उसके सभी कष्ट हर लेते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा आज के दिन यदि कुछ ज्योतिष उपाय किए जाए तो बिजनेस से लेकर नौकरी में काफी सफलता मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, धन दौलत में वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं कि बुधवार के दिन मतलब आज कौन से उपाय करना शुभ होता है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणपति के साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आज के दिन गणपति जी की पूजा के समय 21 दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। इस आर्थिक उन्नति के साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की आराधना करें। इसके अलावा नियमित रूप से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप का 108 बार जरूर करें। इससे बुद्ध दोष से मुक्ति मिलती है। आज के दिन भगवान श्री गणेश को मस्तक पर सिंदूर लगाएं और फिर इसके बाद अपने माथे पर लगाएं। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। इसके अलावा बुधवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में पन्ना धारण करें। ऐसा अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो वह मजबूत होगी। इसे धारण करने से पहले ज्योतिष से जरूर सलाह लें। इसके बाद है बुधवार के दिन ओम गण गणपते नमः मंत्र या फिर श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके साथ आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध का ग्रह कमजोर है तो आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या फिर हरे रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।